तो पश्चिमी देशों के टैंक से यूक्रेन रूस पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। युद्ध के मैदान में जर्मनी के लेपर्ड और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक उतर चुके हैं, लेकिन नाटो की प्लानिंग यहां भी फेल हो गई है। पुतिन ने ऐसा घातक हथियार बना लिया है जो नाटो के टैंक की कब्र खोद देगा। क्या है रूस का ये नया विध्वंसक वेपन, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन यूक्रेन पर ऑल राउंड अटैक करने वाले, जमीन से बारूदी वार होगा। आसमान से मिसाइल की बौछार, समंदर से प्रहार, न्यूक्लियर और केमिकल हमले से हाहाकार मचेगा। यूक्रेन के फॉर ग्राउंड पर नाटो के टैंक का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच नेक्स्ट लेवल का टैंक युद्ध शुरू होने जा रहा है। एक तरफ रूस के टैंक होंगे तो दूसरी तरफ नाटो के। दोनों सेनाओं में ऐसी जंग होगी जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिल चुके हैं, ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक भी वॉर जोन में पहुंच चुके हैं, अमेरिका से अब्राम्स टैंक आने वाले हैं और इसी के बाद तबाही का नया चैप्टर खुल जाएगा। ये ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक है जो वॉर जोन में उतर चुके हैं। यूक्रेन को कई देश लेपर्ड टैंक पहले ही दे चुके हैं। अब लेपर्ड और चैलेंजर टैंक रूसी फौज पर बारूद उगलने वाले हैं। लेकिन वो रूस पर आघात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुतिन ने नाटो टैंक का संहार करने के लिए टैंक की बहुत बड़ी फौज जंग के मैदान में भेज दी है। इस तस्वीर को देखिए, जहां तक नजर जाएगी टैंक की कतार नजर आएगी। असल में रूसी टैंक है जिन पर रूस का झंडा लगाकर युद्ध लड़ने के लिए रवाना कर दिया गया है। एक तरफ नाटो टैंक का मुकाबला करेगी पुतिन की टैंक आर्मी, तो दूसरी तरफ पुतिन ने ऐसे एंटी टैंक हथियार बना लिए हैं जो दुश्मन के टैंक को पल भर में राख बना देंगे। यह ऐसा ही एक हथियार है जिस रूस ने खासतौर पर नाटो टैंक का शिकार करने के लिए बनाया है। इसका नाम है लेपर्ड हंटर। रिमोट से चलने वाला यह हथियार लेपर्ड, चैलेंजर और अब्राम्स जैसे घातक टैंक को चुन चुन कर खत्म करेगा। इसके वार से बचना असंभव है। इतना ही नहीं, नाटो के टैंक का काम तमाम करने के लिए अपने एंटी टैंक वेपन मार्कर को अपग्रेड कर दिया। अपग्रेडेशन के बाद मार्कर बहुत ही घातक हो गया है।
मार्गर मानव रहित एंटी टैंक वेपन है। अब रूस ने इसमें नेटो टैंक का डेटा फीड कर दिया है। इसे एंटी टैंक मिसाइल से लैस कर दिया गया है। इसमें हाईटेक सेंसर लगा दिया गया है। सेंसर नेटो के टैंक को न सिर्फ डिटेक्ट करेगा बल्कि उन पर ऑटोमेटिक अटैक करेगा। रूस ने इसे लेपर्ड, अब्राम्स और चैलेंजर टैंक को खत्म करने के लिए अपग्रेड किया है। मतलब ये कि रूस में नेटो टैंक को तबाह करने वाले बहुत ही घातक हथियार बन चुके हैं। बस विध्वंस से शुरू होने वाला है। यूक्रेन को पुतिन के हमले से बचाने के लिए कई देश लगातार हथियार भेज रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन को 200 आर्मर्ड व्हीकल्स देने वाला है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन देने का ऐलान किया है। इसी तरह कई देश यूक्रेन को मिलिट्री मदद दे रहे हैं, लेकिन ये मदद फत पर नहीं पहुंच रही है। इस वजह से हर बीते दिन के साथ यूक्रेन की पराजय तय होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।